प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और हफ्ते के पहले दिन की मन्ना जो आज आपको बताए जाएंगे, तो आज के विषय जो है वो है दूसरा महीना जिफ या आयार, और आज का जो मेन विषय होगा यावे इरे, ये दूसरा भाग। और सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल 12 तारीख दूसरा महीना शुरू हुआ, तो आज हम लोग भी दूसरा महीने में है। और खुदा ने हर महीने में इजरायलियों से कई बातों को कहा है जो हम कई दिनों से देखते आ रहे, तो आज भी हम दूसरे महीने के विषय में कई बातों को, गए हफ्ते में हमने वचन से देखा गया यावे राफा के विषय में, और आज हम यावे इरे के विषय में वचन से देखेंगे। तो आज उस विषय में जाने से पहले हम लोग दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि खुदा हम सबों को वचन की समझ दे, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, खुदावंद यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के मन्ना के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। खुदावंद रोटी तोड़ते टाइम तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि पवित्र वचन को हम समझ सके। हमारी बुद्धि लॉर्ड हमारे मन को हम वापर ना करें, लेकिन आपकी आत्मा से वचन को वचन से मिलाकर बताने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। लॉर्ड सारी शैतान की युक्तियों से बचा के रख और हमारे समझ को खोल, हमें सिखा, ताकि सीखकर हम आपके करीब आए और जितने हम सीखे हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है फिर एक बार सभी को याद दिलाना चाहता हूं, दूसरा महीना जिफ और आयार, और विषय है यावे इरे, ये दूसरा भाग है। गए हफ्ते में हमने जो पहला भाग देखा था यावे राफा, तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि निर्गमन के किताब 16वां दिया है, पहला वचन में लिखा है कि इजरायली लोग दूसरा महीने के 15वां दिन को सीन जो देश था वहां पे आए। लेकिन आप कुछ वचन ऊपर पढ़ेंगे, खास करके 15वां अध्याय 22 निर्गम की किताब 15वां अध्याय 22 और 23 जब पढ़ेंगे, वहां पे लोग 3 दिन चलकर मारा उस देश में जब आए, तो मतलब दूसरा महीने के 12वां दिन आप इसको पकड़ सकते हैं। तो 12वां दिन को वहां पे जब आए तो पानी कड़वा थे, लेकिन खुदा ने पानी को मीठा किया उस जार के जरिए, हमने ये सारी बातों को देखे थे। तो ये जो यावे राफा पानी को चंगाई किया, ये भी दूसरा महीने में ही था, इसलिए इस बातों को याद रखना। और यहां पे हम लोग 5 विषय आज हम देखेंगे इस यावे इरे के विषय में। पहला है कि जंगल में रोटी और पानी, दूसरा है मानने से इनकार करना, तीसरा जो है विषय कुड़कुड़ाने के विषय में हम देखेंगे, और चौथा जो है नए नियम में रोटी और पानी के विषय में हम देखेंगे, और पांचवा जो है यावे इरे। तो ये 5 विषय है इस विषय के अंदर, तो इसी को हम देखेंगे। तो रोटी और पानी के विषय में पहले हम रोटी के विषय में देखेंगे। तो निर्गमन इसके 16वां अध्याय पहला वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है इसराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरा महीने के 15वां दिन को सीन नामक जंगल में पहुंचा। तो यहां पे लिखा है कि ये दूसरा महीना 15वां दिन, इसलिए मैंने कहा कि यावे राफा के समय वो भी दूसरा महीना था, वो 12वां दिन वो लोग वहां पे पहुंच गए मारा जगह के अंदर। यहां पे 15वां दिन को बाइबल के अंदर लिखा है वो लोग सीन नामक जंगल में पहुंचा, और वहां पे निर्गमन इसके 16वां अध्याय 14वां वचन में लिखता है तब यहोवा ने मूसा से कहा देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे।
तो खुदा ने उनको प्रतिदिन के भोजन के लिए वहां पे आयोजन किए और ये उनसे कहा कि आकाश की भोजन है, जैसे लिखा है कि ये देवदूतों की भोजन था, तो ये आकाश की खाना खुदा ने इजरायलियों को दिए। निर्गमन इसकी 16वां अध्याय और 5वें वचन में लिखा है, और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुना होगा, मतलब डबल लेंगे, इसलिए जो कुछ वह उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तो आज छठवां दिन में, अब एक छठवां दिन जब आता है आत्मिक तौर से, वचन में आप देखेंगे जैसे वचन में लिखा है कि 1000 साल खुदा के सामने एक दिन है, उसी के आधार पर 6000 साल जो हम लोग अभी है, ये समय खुदा हमें भी डबल खाना आत्मिक भोजन हमें देंगे, मतलब दुना होगा, तो आत्मिक भोजन दुना वो हमें इस समय पे देंगे। तो यहां पे हमने वचन में निर्गमन 16वां अध्याय 5 में हमने देखा कि छठवें दिन को खुदा ने कहा दुना लेने के लिए उनसे कहा गया। देखो खुदा मनुष्य की कितने ख्याल कर रही कि उनको मालूम था कि 7वां दिन साबत है, इसलिए उन्होंने 6वां दिन में इजरायलियों से कहा कि अन्य दिनों से दुना होगा 6वें दिन को, तो 2 दिन का भोजन 6वें दिन खुदा ने उनको दिया। और ये मैंने ये भी बताया कि आत्मिक तौर से 1000 साल जब धरती में होता है, खुदा के लिए एक दिन है, उसी के आधार पर 6000 साल में जो हम है, हमें खुदा दुना ज्ञान भी खुदा प्रकाशित करेंगे, ताकि हम लोग अंतिम समय में है इस बातों को भी याद रखना। इसलिए खुदा ने यहां पे वचनों को लिखा है कि खुदा हम सभी लोगों के ऊपर ख्याल करते हैं, हमारी जरूरतों को जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा 6वें दिन को दुना लेने के लिए उनसे कहा गया। निर्गमन इसका 16वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई और बोर को छावनी के चारों ओर होश पड़ी। तो खुदा ने उन्हें लिखा है कि सांझ को भी खाना दिया, बोर को भी खाना दिया, मतलब कितने खुदा ख्याल करते कि शाम को भी खाना, बोर को भी खाना, ये सारी बातों को खुदा ने इस वचन के अंदर लिखा है। तो सांझ का भी ख्याल करता है, बोर का भी ख्याल करने वाला खुदा है, इसलिए यहां पे खुदा ने उनको भोजन दिए। निर्गमन 16वां अध्याय 15 वचन में लिखता है, ये देखकर इसराइली जो ना जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वो आपस में कहने लगे ये तो मन्ना है। यहां से ये वचन हम पढ़ते हैं कि मन्ना, कि स्वर्ग से आया हुआ रोटी, ये जो खाना है मन्ना है, और ये खुदा ने यहां पे लिखा गया। और तब इसराइली लोगों ने समझा कि ये जो हमको मिला है ये मन्ना है। और निर्गमन इसका 16वां अध्याय 35 में लिखता है, इसराइली तब तक बसे हुए देश में ना पहुंचा तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। तो एक दिन ने, एक महीना ने खुदा ने उनको 40 वर्ष खाना दिया। तो खुदा कितने ख्याल करने वाले, वो कल भी किया, आज भी करने वाला है, कल भी करेगा, इसलिए हमको उसके ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। और यही बात नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्ती मंडली से जब प्रचार करते टाइम, पहली पत्री कुरिन्तियों की किताब 10वां अध्याय 3 वचन में लिखता है, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक भोजन, तो वो आत्मिक भोजन था खुदावन यीशु मसीह, और वो आज हमारे लिए खुदा की पवित्र खलाल है। ये जो बाइबल है ये हमारे लिए भोजन है, इसलिए हमें इसको रोज खाना है। और जब खाएंगे, जैसे शरीर में खाना खाने से हमें ताकत मिलता है, वैसे आत्मिक में हम बढ़ेंगे जब हम खुदा के पवित्र कलाम को रोज नित्य उसको पढ़ते रहेंगे। ये हमने रोटी के विषय में वचन से हमने देखा, अब हम पानी के विषय में देखेंगे। निर्गमन
इसके 17वां अध्याय पहला वचन में ऐसा लिखा है, और यहोवा ने आज्ञा के अनुसार कुछ करके रफीदम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों ने पानी पीने के लिए पानी न मिला। और ये देखो, ये 17वां अध्याय भी अभी भी हम दूसरा महीने में ही है, 17वां अध्याय में भी हम जब पढ़ता है हम दूसरा महीने में ही है। तो इन्होंने यहां पे उनको पानी ना मिला, इसलिए खुदा ने निर्गमन इसके 17वां अध्याय 6वां वचन में मूसा ने लोगों से कहा, और खुदा ने ये कहा कि देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिसे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया करके लिखाया। तो यहां पे एक आत्मिक बातों को भी आपको यहां पे याद दिलाना है। यहां पे लिखा है कि होरे पहाड़ के जो चट्टान है वहां पर उसने, परमेश्वर ने कहा चट्टान पर मारना। अब बाइबल में लिखा है चट्टान मसीह है। मसीह को जब क्रूस में मारा गया उनके शरीर से आप देखेंगे पानी आए, और पानी ये हमें वचन भी हमें दर्शाता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह को मारा गया जैसे चट्टान को मारा गया, यीशु मसीह को भी क्रूस के ऊपर मारा गया, और मारने से हमें शांति, समाधान, आशीष खुदा ने हमें भी दिया है। इसलिए इस विषय में भी नए करार के अंदर कुरिन्थियों की किताब, तो पहली पत्री कुरिन्थियों के 10वां अध्याय 14वां वचन में परमेश्वर की दास पौलुस ये मंडली को समझाते टाइम उनसे कहा गया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। सो दैट रॉक वॉज क्राइस्ट, वो चट्टान मसीह है। तो वो मसीह था जो उनके लिए आत्मिक तौर से रोटी भी था, वो आत्मिक तौर से पानी भी था, और आज भी हमें भी खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए रोटी भी है, वो हमारे लिए पानी भी है। इसलिए इस बातों को याद रखना कि खुदा ने इस विषय में हमें सारी बातों को यहां पे लिखा है। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे। दूसरा विषय ये मानने से इनकार, ये इसराइलियों की एक आदत है, और आज ईसाई लोग में भी ये आदत देखने में आएंगी। जो भी खुदा कहता है हम वैसा नहीं करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे नहीं तो कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, आधी करेंगे, कम करेंगे, जैसा लिखा है जैसा बोला वैसा नहीं करेंगे। इजरायली लोगों ने भी उसी समान किया। हमने तीन उदाहरण यहां पे हम देखेंगे। निर्गमन इसका 16वां अध्याय 17वां वचन में लिखता है, और इजरायलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने आधी और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। देखो, कुछ लोगों ने ज्यादा लिया, कुछ लोगों ने थोड़ा लिया। अब इसी से क्या हो गया, देखो निर्गमन 16वां अध्याय 18 में लिखता है, जब उन्होंने उसको उमर से नापा, उमर मतलब नापने का, तो तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उनको कुछ गति ना हुई। तो जिसके पास थोड़ा था गति नहीं हुई, जिन्होंने सोचा कि कल शायद मिलेंगे नहीं, आदमी का चिंता बहुत होता है, ये चिंता ही आदमी को तकलीफ का कारण होता है, और इसी की वजह से कुछ लोगों ने अधिक लिया लेकिन उनका कुछ अधिक न रहा गया करके वचन में लिखा गया। ये पहली चीज इनकार करने के विषय में, जैसा खुदा ने कहा वैसा कई लोगों ने नहीं किए। दूसरा चीज ये है, निर्गमन इसका 16वां अध्याय 19 और 20 में लिखता है, फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक न रख छोड़े, बोला सवेरे तक न रख छोड़े,
तो भी उन्होंने मूसा की बातें ना मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रब छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वहां बसाने लगा, तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। तो देखो आज जो कीड़ा पड़ गए, खराब होने लग गए, क्योंकि खुदा ने कहा था कि सवेरे तक इसको रब छोड़ना नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने सुना नहीं। तो इसलिए आज हम लोग जैसा लिखा है वैसा सुनता नहीं, और इसी की वजह से हमारे जीवन के अंदर परेशानियां, तकलीफ, बीमारियां और आखिरी में मरण भी आ जाते हैं। इसलिए यह दूसरा बात मैंने कहा कि इजरायली लोगों ने इनकार किया, और यही चीज ईसाई लोग भी आज खुदा के वचन तो सुनते हैं लेकिन वैसे चलते नहीं, कुछ बातों को इनकार कर लेते। तीसरा चीज यह है, निर्गमन इसका 16वां अध्याय 27 वचन में लिखा है, तो भी लोगों में से कोई कोई सातवें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, सातवें दिन, परंतु उनको कुछ ना मिला। तो हमने तीन बातों को देखा कि इजरायली लोगों ने कैसे खुदा के वचन को इनकार किया, और इसका नतीजा क्या है कि नई करार के अंदर पहली पत्री कुरिन्थियों की किताब इसकी 10वां अध्याय 5वें वचन में लिखता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, खुदा ने उनको सब नाश कर दिया। इसलिए आप देखेंगे जब मिस्र से जब बाहर निकले तो 600,000 से अधिक लोग बाहर आए, लेकिन कनान देश जब प्रवेश करते टाइम सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे, क्योंकि ये सभी लोग ये सब गलतियां करते हुए चले गए। इसलिए ये बातों को इसलिए आपको याद दिलाए, खुदा के वचन को इनकार ना करना, जैसा लिखा है वैसा हम उसको मानकर चले ताकि खुदा हमें आशीष करे, नहीं है तो हमको दिया हुआ जीवन खुदा हमें नाश करेंगे, क्योंकि उसने कहा कि जिनको दिया गया ज्यादा उनसे पहला वो हिसाब लेंगे। तो इसलिए यहां पे देखो जंगल में बहुत से लोग ढेर हो गए, चले गए। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें कि हम खुदा के वचन को जैसा लिखा है वैसा हम उसको माने, ना हम उसको बढ़ाए ना हम उसको घटे, लेकिन जो लिखा है वैसे हम करें ताकि खुदा हमें दिया हुआ समय हमें जिलाए और हमें आशीष कर सकेंगे। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे, यह है कुड़कुड़ाने के विषय में, इंग्लिश में लिखा है मरमरी। तो ये कुड़कुड़ाना ये भी एक इजरायलियों की एक बड़ी समस्या था कि हर बातों के अंदर, हर चीज के अंदर इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे, और इसी से भी बहुत से लोगों की नाश हुए, और ये भी सारी बातों को वचन में लिखा गया। तो आज हम इस विषय में देखेंगे, तो निर्गमन इसका 16वां अध्याय 2वां वचन में लिखता है, जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध यहां पे लिखा है बकबक करने लगे, मतलब कुड़कुड़ाने लगे, और ये किसके लिए? रोटी के लिए। तो आज रोटी के लिए, जब उनको मालूम है कि खुदा ने बहुत अद्भुत रीति से उन्हें मिस्र से बाहर ले आए, ये सब जानने पर भी उन्होंने यहां पे लिखा है कि खुदा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, बकबक करने लगे, और ये खाए रोटी के लिए। अब देखो निर्गमन इसका 17वां अध्याय 2वां वचन में लिखा है, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करने करके कहने लगे, वाद विदा विवाद लिखा है कि करके कहने लगे, हमें पीने के लिए पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हैं? अब ये पानी के लिए, तो यहां पे उन्होंने वाद विवाद किया और बगबगाने लगे, मतलब कुड़कुड़ाने लगे, तो रोटी के लिए और पानी के लिए इन्होंने। इसलिए भजन संगीत संहिता इसका 106 उसका 25 से 27 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे भी देखो परमेश्वर के दास
वापिस इस बातों को लिखा है, वहां पे लिखा है देखो, वह अपने तंबुओं में कुड़कुड़ाने और यहोवा का कहा न माना, यहोवा का कहा न माना, तब उसने उनके विषय में शपथ खाई कि मैं इनका जंगल में नाश करूंगा। तो खुदा ने लिखा है कि मैं इनको क्या करूंगा, जंगल में कुड़कुड़ाने से देखो खुदा ने कहा कि मैं नाश करूंगा, और इनके वंश मतलब उनके बच्चों को भी अन्य जातियों के समुख गिरा दूंगा और देश देश में थितर बितर करूंगा। और ये वचन पहली पत्री कुरिन्थियों की किताब 10:10 में भी इस वचन को उल्लेख किया है। तो कहने के मतलब है जुना करार में हम निर्गमन की किताब में भी पढ़े, वचन संहिता के अंदर भी लिखा है और नए करार के अंदर भी इसको रिपीट किया है, बार बार लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि हम ऐसे कामों को न करें। नए करार में ये कुड़कुड़ाने के विषय में परमेश्वर के दास पौलुस फिलिपी मंडली को लिखते टाइम फिलिपी की किताब फिलिपियन इसके दूसरा अध्याय 14 में लिखता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद का किया करो। तो ये दो चीज खुदा ने कहा है, इसलिए हम हर काम जब करते टाइम कुड़कुड़ाना नहीं, खाने के लिए पीने के लिए। इसलिए आज हम कोई भी विषय के अंदर कोई समस्या के अंदर हम कुड़कुड़ाए नहीं। इसी का नतीजा देखो बहुत से लोग इजरायली लोग खुदा ने उनको नाश किया, जैसे मैंने वचन में पढ़ा परमेश्वर ने जंगल में उन्हें ढेर उनका ढेर हो गए। तो इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है कि हम हर बातों को जब करते टाइम कुड़कुड़ा रहने। आज भी देखो खुदा ने इस महामारी के बीच में भी हमें भी खाना दिया, एक साथ से खुदा ने आप सभी लोगों को संभाले। इसलिए आज कितने लोगों को खाना नहीं है, कितने लोगों की नौकरी चला गया, कितने लोग टेंशन में और बहुत से लोग विचारों के अंदर परेशानी के अंदर संकट में, लेकिन खुदा ने उनको मानने से आप सबों को चला, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करें। जैसे भजन संहिता में लिखा है कि 7 उसकी स्तुति करें क्योंकि उन्होंने धार्मिक न्याय किया है, इसलिए उसकी हम स्तुति करते रहे। आज हमें जो भी मिलता है उसके लिए हम खुदा को धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि देने वाला वो है। अब हम 4 विषय में जाएंगे, नए नियम में रोटी और पानी के विषय में कई बातों को हम देखेंगे। नए करार में रोटी के विषय में नए करार में यूहान की शुभवर्तमान इसका 6 दिया है 33 में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तो स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी है खुदावन यीशु मसीह, आज ये हमें खाना है मतलब खुदा के वचन। इसलिए कई बार खुदा ने लिखा है कि इस रोटी हम खाएंगे तो हमें शक्ति सामर्थ्य हमें मिलेंगे। इसलिए यहां पे वचन लिखा गया कि ये जो रोटी है स्वर्ग से उतरा हुआ है। और यूहान की शुभवर्तमान 6 अध्याय 35 में लिखता है, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं। तो खाली रोटी नहीं, वो जीवन का रोटी है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। तो हमें विश्वास करना है, तो बाइबल के अंदर लिखा है तो हमें कभी भी वो भूखा ना डाले। और ये बात मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी अनुभव किया है कि नौकरी छोड़ने के बाद आज तक खुदा ने संभाला, खाना खिलाया। और इसलिए मैं किसी को भी सर्टिफिकेट दे सकता है कि गॉड इज गुड, परमेश्वर अच्छा है, खुदा अच्छा है, और वो हमें जो भी जरूरत है, बहुत सी चीज नहीं दूंगा क्योंकि अगर बहुत चीज दूंगा तो शायद हम भूल जाएंगे, इसलिए जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा है, इसलिए वो हमें जीवन का रोटी हमें दिया है। यूहान के शुभवर्तमान 6 अध्याय 49 में लिखता है, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। तो जूना करार में इजरायली लोगों ने
मन्ना खाए लेकिन सबके सब 40 साल खुदा ने उनको खाना खिलाया लेकिन सबके सब मर गए क्योंकि उन्होंने जैसा विश्वास करना था वैसा उन्होंने नहीं किया। फिर यूहन्ना की सुवर्तमान 6वां अध्याय 51 में लिखता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। ये जीवन का रोटी है, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, उन्होंने कह दिया कि मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। क्या रहेगा? सर्वदा जीवित रहेगा। इसलिए यह रोटी हमें रोज खाना है। आज बहुत से ईसाई लोग विश्वासी है लेकिन बाइबल पढ़ते नहीं। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने से हमें अच्छे बुरे का फर्क समझेंगे, हमारा विश्वास बढ़ेंगे और आने वाले सब परसी से खुदा में बचाए, हमारे विश्वासों को बढ़ाए। इसलिए ये सर्वदा हमें अगर जीवित रहना है। आज बहुत से लोग नाश हो रहे, हमने देखा कि हिंदू लोग, मुसलमान लोग, सिख, ईसाई लोग सब मरते। मरने का कारण क्या है? खुदा ने हमको जीने के लिए इस धरती में भेजा है। मरण क्यों? इसलिए कि हम पाप करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, हम उसके वचन को निंदा करते हैं, इनकार करते हैं, ये सब कारण होता है। इसलिए हम लोग इस बातों को सीरियसली ख्याल करें क्योंकि खुदा ने लिखा है सर्वदा जीत रहेगा, मरेंगे नहीं। मरने के लिए नहीं बनाए, जीने के लिए बनाए। हाँ तकलीफ आएंगे, बीमार आएंगे, लेकिन खुदा ने लिखा मैं यहोवा राफा हूं, मैं याशुआ राफा भी हूं, मैं चंगा करने वाला खुदा है। बीमारी आएंगे, आज आपको भी इतने साल में आया होगा, लेकिन खुदा ने बचाया और वो बचाता रहेगा। इसलिए हम विश्वास करें। इसलिए यहां पे लिखा है कि हम सर्वदा जीवित रहे और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है, शरीर। तो यीशु मसीह ने अपना शरीर को कुर्बानी किया। हम सब मरने वाले थे, हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह मरकर तीसरे जीवित होकर आज जो स्वर्ग में, इसलिए वो आपकी आवाज 24 घंटे में हर समय सुनने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए एनी टाइम कोई भी समय में हम उसको बुला सकता है, वो सुनने वाला खुदा है। अब हम पानी के विषय में देखेंगे। यूहन के सुवर्तमान 4वां अध्याय 10 में लिखता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू, मतलब ये समारी स्त्री से यीशु मसीह कहता है, यदि तू परमेश्वर का वरदानों को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। अब ये जीवन का भी जल है और जीवन का रोटी भी है। अब यहां पे स्त्री से कहता है मैं जीवन का जल हूं। इसलिए यूहन्न की सुवर्तमान 4:14 में लिखता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा, और ये जल बहुत अलग है, जो मैं दूंगा, क्योंकि ये स्त्री वो वहां पे कुआं था, कुआं से पानी लेने के लिए आते थे, वो पानी उन्हें बुराई के अंदर उनको अपने जीवन बिताने के लिए लगाया, वो पानी उन्हें उनके प्यास को बुझा नहीं सका, उनके जो भी पाप था वो बुझा नहीं सका। लेकिन यहां पे लिखा है परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा, यीशु मसीह देने वाला पानी अगर पिएंगे तो वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अनंत काल तक मतलब मरने के बाद भी प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। इसलिए आज यीशु मसीह जो देता हुआ पानी वो है परमेश्वर का वचन। तो ये बाइबल है, आज हमारे लिए खाना भी है, पानी भी है, रोटी भी है, पानी भी है। इसलिए हमें ये कभी भी पीते रहे, खाते रहे, तो हमें विश्वास भी आए, शक्ति आए, सामर्थ्य आए और हमें बीमारी से जरूर हो हमें छुटकारा देंगे। इसलिए यूहन्ना की सुवर्तमान 4वां अध्याय 28 और 29 वचन में लिखता है, तब स्त्री अपने गड़ा छोड़कर, वो गड़ा जो था, वो बर्तन जो लेके आए पानी का, वो गड़ा छोड़ दिया। आज हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे जीवन में जो भी गड़ा वो नशे की होगा, दारू या सिगरेट या व्यभिचार या कोई भी बुराई, कोई भी नशा,
ड्रग्स होगा या कोई भी होगा, ये गड़ा हमें छोड़ना है। इसलिए लिखता है कि तब स्त्री अपने गड़ा छोड़कर, कई बार आप देखा होगा कि वो अंधा बार्तिमस ने भी लिखा है कि उसने अपने कपड़े को छोड़ दिया, क्यों? वो कपड़ा भीख मांगने का कपड़ा था, जब यीशु को उन्होंने जाना वो कपड़ा उन्होंने उतार दिया, छोड़ दिया। अब परमेश्वर के दास पत्रोस जब बाइबल के अंदर लिखा है मच्छी पकड़ते थे, तो यहां पे हमने ये भी बताया कि पत्रोस ने जब बाइबल के अंदर लिखा है खुदावन यीशु मसीह ने उनको बुलाया तो उन्होंने बाइबल लिखा है जाल छोड़ दिया, क्योंकि वो जाल पाप की जाल थी। वो अंधा बार्तिमस वो अपने कपड़े को छोड़ा क्योंकि वो कपड़े में पूरा दाग थे, वो पूरा पाप की दाग। इसलिए स्त्री ने भी गड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। तो यीशु मसीह सब कुछ बता सकता है। ये स्त्री से कहा पांच पति था तुझे और छठवा भी है वो भी तेरा नहीं है, और ये छह लोगों ने उनको शांति समाधान उनका प्यास बुझाने सका, लेकिन सातवा व्यक्ति था खुदावन यीशु मसीह, उन्होंने उनकी प्यासों को बुझाकर उनके जीवन को बदल दिया। इसे वो कहता है कई यही तो मसीह नहीं है, तो उनको समझ में आया क्योंकि जूना करार में बाइबल पढ़ा हुआ है, ये स्त्री ने वचन पढ़ा है और जूना करार में शायद कभी वो व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ा होगा या दानियल की नौवां अध्याय पढ़ा होगा जहां पे मसीह के विषय में लिखा है, या एशिया की किताब नौवां अध्याय पढ़ा होगा या सातवां अध्याय पढ़ा होगा, यहां पे सब मसीह के विषय में लिखा गया है। तो इनको समझ में आया जब यीशु मसीह ने उनको सब कुछ जो उन्होंने किया गया जिंदगी में सारी पापों को जब उनको बताया गया, तब उनको समझ में आया ये सही मसीह है जो आने वाला है, वो उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने अपने जीवन को बदल दिए और खुदावन यीशु मसीह को उन्होंने माना। और इसलिए आज हमारे जीवन के अंदर भी जो भी गंदा कपड़ा है हमें छोड़ना है, हमारे जाल को फेंकना है, हमारे गड़ा छोड़ना है, ताकि हम नए बने मसीह में और हमारे जीवन के अंदर खुदा हमें आशीष कर सकता है। अब हम पांचवा विषय में जाएंगे। ये पांचवा विषय है यावे ईवे। बहुत बार बहुत से लोग कहते हैं कि जेहोवा जीरे, जेहोवा नहीं है। हिब्रानी भाषा के अंदर जैसे आप भजन संहिता 119वां अध्याय जब पढ़ेंगे, हर आठ वचन के बाद आपको हिब्रानी के अक्षर मिलेंगे। जैसे आप शुरू में 119 शुरू करेंगे तो वहां पे लिखा है आलिफ, आठ वचन के बाद लिखा है बेत, वैसे आप यहां पे इब्रानी भाषा में खुदा का चार अक्षर था, वो था इंग्लिश में YHWH। और इसका मतलब आप जब भजन संहिता 119 उसका 73 के वचन जो है उसके ऊपर जब देखेंगे वहां पे लिखा है योम, फिर 33 के ऊपर देखेंगे लिखा है हे, फिर 41 में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है वाव, वापिस आप 33 पढ़ेंगे हे। तो चार अक्षर का वचन ये है, योग है, वाव है, वहां से आया यावे। हम जब हालेलू जा करके नहीं बोलते, हम कहते कि हालेलू या, जहां पे इंग्लिश में जे होता है वहां पे सब हिब्रानी भाषा में वाई होता है, इसलिए हम इंग्लिश में तो जेरूसलेम बोलता है लेकिन हकीकत में इब्रानी भाषा में यरूशलेम, हम इंग्लिश में जेकब बोलते लेकिन वो याकूब। तो इसलिए यहां पे यावे ईवे ये है करेक्ट जो वचन है, सही है। और ये कहां से आए ये जानने के लिए हम उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 13 और 14 वचन जब हम पढ़ते, ये अब्राहम ने अपने इकलौता बेटे को होमबली करने के लिए जब लिखेंगे खुदा के वचन को आदर किया, तब लिखा है कि तब अब्राहम ने उत्पत्ति 22:13-14 तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सिंगों से एक जाड़ी में फंसा हुआ है,
अंत इब्राहिम ने जाके उस मेंढे का मंडे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। तो यहां से यह वर्ड आया यहोवा इरे, और लिखा है कि इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो उपाय करने वाला परमेश्वर है या प्रदाता है वो, या प्रदान करने वाला है, इसलिए वो इज द प्रोवाइडर, मतलब प्रदाता या प्रदान करने वाला है, क्योंकि इस पर्वत पे बाइबल में लिखा है उपाय किया जाएंगे। तो खुदा उपाय करने के लिए योग्य खुदा है, इसलिए खुदा ने इजरायली लोगों को आप देखेंगे जंगल में रोटी भी दिया, खाना भी दिया दूसरा महीने में, समझे। इसलिए मैंने कहा दूसरा महीना बहुत आशीष महीना है, जो आज हमारे हम लोग जो महीने में अभी है। यहां पे खुदा ने तीन चीज जो महीने पहले से बताते आए कि वो यावे राफा भी है, वो यावे इरे भी है, वो यावे निशी, जो हम लोग अगले बात देखेंगे। तो ये तीनों भी आशीष दूसरा महीने में उन्होंने रखा गया, इसलिए आज हम इस दूसरे महीने में इस वचनों को हम याद करें। इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, वो कल भी था आज भी है और कल भी रहने, इसलिए आज हमें याद दिला रहा है आज भी वो आपके लिए राफा है, आपके लिए वो इरे है और आपके लिए वो निशी है। इसलिए इस बातों को इस दूसरे महीने में खुदा आपको और हमको यहां पे याद दिला रहा है। आगे हम कुछ वचन और देखेंगे कि जब जुना करार में यूसुफ के टाइम 7 साल जब अकाल आए, तब उत्पत्ति की किताब 42वां अध्याय उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, फिर उसने मतलब याकूब ने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है। ये अन्न इंग्लिश में जो है कॉर्न, इसका मतलब है गौ का दाना भी है, इसलिए नए करार में ये गौ का दाना हमें खुदावन यीशु मसीह दर्शाते हैं। ये दाना जब जमीन में डालेंगे, दाना मरेंगे, तो उसमें और भी गौ आएंगे, और इसलिए यीशु मसीह मरने से आज बहुत से गौ आप और मैं खुदा ने हमको उत्पन्न किया है। इसलिए लिखा है कि याकूब ने बच्चों से कहा, मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे। आज देखो ये इजरायलियों को 7 साल के तकलीफ के टाइम अन्न के लिए यूसुफ के पास जाना पड़ा। यही चीज इस अंतिम समय के अंदर तकलीफ के समय बाइबल के अंदर लिखा है, 7 साल के तकलीफ के समय ये वापिस ये काम आपको दिखने में आएंगे कि ये जो इजरायली लोग आज 1948 में जो आए हुए लोग इजरायली लोग आज वो मसीह के खोज में है। एक दिन जैसे जोसेफ को वो मिलने गए, वैसे आने वाले समय के अंदर अपने जोसेफ मसीह को जरूर देखेंगे। इसलिए आत्मिक तौर से इस बातों को भी जान लेना, और न मिलेंगे तो लिखा है कि मरेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, याकूब ने बच्चों से कहा कि जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे। तो जीवित रहने के लिए आज याकूब ने अपने बच्चों को मिस्र में भेजा, जहां पे यूसुफ थे, और उनको वहां पे भोजन मिला। इसलिए उत्पत्ति उसके 43 अध्याय उसका पहला वचन लिखता है, देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। तो अकाल भयंकर होता गया, और ये 7 साल का अकाल था, बाइबल के अंदर लिखा है बहुत भयानक थे। उत्पत्ति की किताब 45वां अध्याय 11 वचन में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, और अकाल का जो 5 वर्ष और होगा उनमें मैं वही तेरा पालन पोषण करूंगा। मतलब याकूब और उनके 11 भाइयों से कहता है, ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरे। तो आज यूसुफ ने इन सभी लोगों का पालन पोषण किया, और ये चीज आने वाले दिनों के अंदर ये यहूदियों को भी यीशु मसीह पालन पोषण करेंगे, और आने वाले दिनों के अंदर मूसा और एलिया नबी के द्वारा
ये यहूदी लोग भी खुदा के वचन सुनेंगे और वो मसीह को पहचानेंगे। इसलिए उत्पत्ति के वचनों को भी आपको बताया। फिर यशायाह नबी 55वां अध्याय इसका 10वां वचन में लिखता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यही लौट नहीं जाता वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाता है, जिसे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। तो खुदा देखो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले को रोटी भी देता है, और इसलिए खुदा आज तक आपको और हमको भी खाना दिए, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करें। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे हम तो राजाओं की किताब इसका पहला भाग 17वां अध्याय पहला वचन में लिखता है, एलिय्याह ने एहाब जो राजा था से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों मतलब 3.5 साल मैं मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना होश पड़ेगी। ये वचन याकूब की किताब 5वां अध्याय 17 में लिखा है। ये 3.5 साल और ये 3.5 साल में खुदा ने एलिय्याह नबी को क्या किया देखो, यही राजाओं की किताब पहला राजा इसका 17वां अध्याय 14 वचन लिखता है, उसी नाले का पानी तो पिया कर और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। तो कौए से देखो पक्षी भी खुदा के वचन को सुनता है, पक्षी से कहा, आप जानते हैं कि कौए को अगर कुछ मिला तो दूसरों को देगा नहीं, लेकिन यहां पे खुदा की वचन को मानकर उन्होंने रोटी लेकर बाइबल के अंदर लिखा है एलिय्याह नबी को खिलाया। और दूसरा बात लिखा है कि यही राजाओं की किताब पहला राजाओं की किताब 17वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है, चलकर सिदोन की सरापत नगर में जाकर वही रहे, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने के की आज्ञा दी है। तो यहां पे देखो कौए से आज्ञा दिया, विधवा से कहा, तो यहां पे विधवा से इसलिए कहा गया नाले का जो पानी सूखने से खुदा उस बातों को भी ख्याल किया और एलिय्याह नबी को उस विधवा के हाथ में सौंप दिया और वो विधवा ने उन्हें खाना खिलाया और खुदा ने विधवाओं को भी 3.5 साल उस अकाल के समय चलाया। तो मैंने दो चीज यहां पे बताया, उत्पत्ति की किताब से हमने 7 साल का अकाल भी देखा, यहां पे 3.5 साल का अकाल भी देखे। ये दोनों समय खुदा ने परमेश्वर के लोगों को संभाला चलाया। और इसलिए नए करार में जब आता है तो मत्तयी की शुभवर्तमान 6वां अध्याय 25 से 34 वचन आप पढ़ना, उसमें कई वचन मैं पढ़ता हूं, उसमें 25 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए या चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे लिखता है कि क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, खुदा लिखता है। आप पूरा वचन पढ़ेंगे तो बहुत से बातों को और भी लिखा है। फिर मत्ती के शुभवर्तमान 6:32 में लिखता है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहता है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब इस वस्तुओं में खोज में रहता है, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इस सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो आज आपकी क्या आवश्यकता है वो जानते हैं। आपकी इच्छा तो बहुत होगा, वो इच्छा शायद बहुत बड़ा भी होगा, लेकिन वचन में लिखा है आवश्यकताओं को जरूर पूरा करूंगा। वो खुदा कल भी किया, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा यदि हम विश्वास करेंगे। इसलिए मत्तयी की शुभवर्तमान 6:33 में लिखता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर का राज्य
और उसका धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो सब वस्तुएं तुम्हें देगा, देने वाला खुदा है। लेकिन पहला लिखता है कि परमेश्वर खुदा का और उसका धार्मिकता की खोज में रहना है, वो आपको सब चीज देंगे। तो मत्ताय की सुसमाचार वर्तमान 33 में जो हमने पढ़े लिखा है कि सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, मतलब इंग्लिश में लिखा है एडेड, मतलब जोर दिया जाएंगे, वो आपको बढ़ाते रहेंगे, जोर दिया जाएंगे। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला खुदा है। इसलिए वचन संहिता इसका 37 अध्याय और उसका 25 वचन में दाऊद राजा लिखता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। तो आज खुदा ने कभी धर्मियों को त्यागा नहीं। अगर हम धार्मिक है, खुदा को डरते हैं, उसके नियम को पालन करते हैं, तो लिखा है कि हम टुकड़े मांगने का मौका खुदा आपको देंगे नहीं। और मैं भी इस बातों में अनुभव है, इसलिए आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वो अच्छा है और हम उसके उसको आदर सम्मान करेंगे, वो चलाने के लिए योग्य खुदा है। लेकिन जो दुष्ट है उसके विषय में भी वचन में लिखा है, और ये विशेष करके जुडस इस्करियोत के बारे में भी लिखा है। तो दुष्ट के विषय में वचन संहिता 109 उसके 10वां वचन लिखा है, और उसके मतलब दुष्ट लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे, उनको अपने उजाड़ हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़ेंगे। तो ये दुष्ट के विषय में लिखा है, जुडस इस्करियोत के बारे में भी लिखा है। इसलिए उनकी सब संतति इस प्रकार जीवन बिताएंगे, लेकिन धर्मी को खुदा कभी त्यागेंगे नहीं। उनको वो कभी भी बाइबल के अंदर लिखा है टुकड़े मांगने का जरूरत ना पड़ेंगे। इसलिए नए करार के अंदर हम इस वचन को इस विषय को समाप्त करते टाइम खुदा के दास पौलुस फिलिपियों की किताब 4:19 में लिखता है, मेरा परमेश्वर मेरा खुदा भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक गति को पूरा करेगा। हर एक गति को पूरा करेगा, जो भी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए याशुआ यीशु मसीह जीवन का रोटी है और जीवन का पानी भी है। इसलिए इस महामारी के बीच में, इस लॉकडाउन के बीच में, इस सब परिस्थितियों के बीच में एक सालों से खुदा आपको पानी भी दिया, खाना भी दिया। इसलिए हम खुदा को रोज हर समय धन्यवाद करते रहे, क्योंकि आज बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग भूखे हैं, बहुत से लोग नौकरी चले गए, बहुत से लोग बीमारियों में हैं और अलग अलग परिस्थिति के अंदर पड़ा है। लेकिन इस सब परिस्थिति के अंदर खुदा ने आपको और हमको संभाला। इसलिए यहां पर मैंने बताया मसीह बिना जीवन बेकार है और आशा बिन है, तो इसलिए वही हमें चलाता है। आज देखो बहुत से लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे, लेकिन खुदा ने कहा मैं तुम्हारा प्राण है। जैसे वचन में आप देखेंगे नबूकदनेस्सर के बेटे से खुदा ने कहा तेरा प्राण मेरे हाथ में, हर व्यक्ति का प्राण उसी के हाथ में है। तो आज हम सभी लोगों के श्वास उसी के हाथ में, इसलिए उस श्वास देने वाले खुदा को आदर सम्मान करें, तो वो आप हमें चलाने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए आज हमने ये दूसरा भाग जो विषय हमने लिया ये है यावे इरे, ये दूसरा भाग। तो मैंने बताया कि ये दूसरा महीना है, 3 आशीष का महीना है। तो इसलिए आज हमें भी खुदा इस दूसरे महीने में आपको और हमको याद दिलाता है कि जो जुना करार में खुदा ने किया वो आज हमें भी करने के लिए योग्य है। इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि वो हमारा यावे राफा है, वो हमारा यावे इरे है, और वो हमारा यावे निशी, जो अगले हफ्ते में हम उस विषय में देखेंगे। इसलिए इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम प्रार्थना करें ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे। आज कोई भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट में
खुदा के वचन को आदर करे वही हमें चलाने वाला है इसलिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावन धन्यवाद करते, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते। जो भी भाई बहन बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, यदि कोई श्वास के कमियां भी है उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। खुदावन आपने काय फटके से सबों को चंगाई कर, आपने भाई और लहू से सभी के अपराधों को क्षमा कर और सबों को अच्छे श्वास स्वास्थ्य जीवन दे, ताकि आपके नाम की महिमा स्तुति आराधना कर सके। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ हा मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार हम सबों को प्रभु ने आज तक चलाया, श्वास दिया, अच्छे सेहत दिए, रोटी दिया, खाना दिया, पानी दिए, हर चीज के लिए खुदा को हम धन्यवाद करते रहे। कि महामारी के बीच में रोज आप जो बढ़ रहे हैं, खुदा आपको और हमको संभाले, हम अपने आप को भी ख्याल करें और खुदा के कलाम हम पढ़ते और विश्वास करते, अपने पापों को कबूल करें, ताकि खुदा हमारे जीवन को यीशु मसीह आने तक संभाल के रखने के लिए खुदा से विनती प्रार्थना करें। आपने वचन को सुना इसलिए मैं चर्च के तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। और जब तक हम नहीं मिलते, खुदा आपको और हमको सबों को अच्छे रखे, यही मेरी प्रार्थना है। और प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।